हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बजट 2024 पूर्ण बजट आम बजट आ रहा है 23 जुलाई 2024 को। आना कब चाहिए? 1 फरवरी 2024 को। 1 फरवरी को आया बट वो कुछ और था, अभी हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन अभी जो आने वाला है वो आम बजट है। आज की सेशन में हम लोग देखने वाले इंटरिम बजट और आम बजट क्या होता है, जिसमें इंटरिम बजट को समझेंगे, आम बजट से उसमें क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। 18वीं लोकसभा, 3री बार मोदी जी का कार्यकाल और उसका पहला बजट कौन पेश करने वाली हैं? निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण। अब ये करेंगी कब? 23 तारीख को। यहां पर ध्यान रखिए, कुछ हम लोग इनके रिकॉर्ड को पहले देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सनैलिटी जो है ना, इन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। लाइक निर्मला सीतारमण को अगर आप जानते हैं तो निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक फुल टाइम की डिफेंस मिनिस्टर रही हैं। इंदिरा गांधी के पास भी रहा था बट इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके साथ उसको दे दिया गया था। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ही पहली महिला है जो वित्त मंत्री बनी, वो भी पूर्णकालिक फुल टाइम, यानी पूरी तरह से इनको ये पोर्टफोलियो दिया गया। इंदिरा गांधी के समय कुछ समय के लिए रहा था और यही वो पहली महिला है, पहली फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया है। इसके पहले 6 बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पे था। तो ये सारे इनके रिकॉर्ड्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है इंटरिम बजट के बारे में। इंटरिम बजट, सबसे पहले एक चीज आपके दिमाग में चलता है अक्सर हम, कि इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट एक तरह से इंटरिम सरकार के जैसा है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा सरकार जो इलेक्शन के बाद हो सकता है टिके या हो सकता है ना टिके। जैसे मान लो इलेक्शन अभी हुआ तो आप देखो कैसी हालत, थोड़ी सी पहले से स्थिति कमजोर हो गई बीजेपी की। ये अगर मान लो और कम सीट आता और सरकार नहीं बन पाता फिर क्या होता। तो एक तरह से जब इलेक्शन डेट अनाउंस होना होता है या जिस ईयर में इलेक्शन होना होता है, तो उसमें क्या होता है, सरकार को यह पता नहीं होता है कि हम ही आएंगे, कोई भी आ सकता है, डेमोक्रेसी है, किसी को भी चुना जा सकता है। तो उस दौरान के लिए एक बजट पेश किया जाता है जिसको इंटरिम बजट कहते हैं। इंटरिम बजट तो जब जिस साल इलेक्शन होना होता है ना, उस साल के लिए जब इलेक्शन होना होता है तो इंटरिम बजट आता है। इंटरिम बजट हम जानते हैं सिर्फ यहीं पर आता है, ऐसा नहीं है। इंटरिम बजट 2 बार आता है, ठीक है, और इंटरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, अंतरिम बजट कहा जाता है। इंटरिम बजट 2 बार कब आता है? मान लीजिए कि अभी केंद्र सरकार अभी सरकार बन जाती, और सरकार कब बनती? नवंबर में बनती, अक्टूबर में बनती। अगर सरकार अक्टूबर नवंबर में बनती तो फिर फैब में तो नया बजट लाना था, तो फिर उस 2-3 महीने के लिए इतना झंझट लेने की क्या जरूरत थी। तो उन 2-3 महीनों के लिए भी इंटरिम बजट लाया जा सकता था। यदि लास्ट ईयर समाप्त होता है, मान लो अक्टूबर में अगर हम आम बजट लेके आए तो क्या करेंगे? फिर तो फैब में हमें आम बजट लाना ही लाना है, वो तो कंपलसरी है क्योंकि उस साल इलेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो इंटरिम बजट इलेक्शन के पहले वाले मंथ के लिए भी आ सकता है, और इलेक्शन के बाद यदि बहुत कम समय है आम बजट के लिए तब भी इंटरिम बजट लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि इंटरिम बजट 2 टाइम में आ सकता है, अमूमन इलेक्शन के पहले सरकार के द्वारा लाया जाता है। इंटरिम बजट क्यों लाया जाता है, सवाल है, क्यों आता है? क्या इंटरिम बजट लाना जरूरी है? बिल्कुल, इंटरिम बजट इसीलिए लाया जाता है क्योंकि अब मान लो कि सरकार ऐसा बजट लेके आ जाए जिसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी प्लानिंग है। अब मान लो कि मोदी सरकार है, कोई भी किसी की, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, स्टेट में अलग अलग सरकार है। अब उसको लगता है इस साल जाना है, अब इलेक्शन आना है उसको, अब इलेक्शन के बाद क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। अब इलेक्शन के पहले लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उसके अंदर मान लो लाखों करोड़ों की योजना वो लेके चले आए बजट में, सबको छूट देते बजट में, तो क्या होगा? अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग तो कन्विंस हो जाएंगे, लोग जो है को लगेगा कि नहीं ये सरकार अच्छी है, और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरिम बजट जब लाया जाता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं डाली जाती है, और चूंकि इसलिए नहीं डाली जाती कि बाय चांस अगर वो सरकार चुन के नहीं आई तो ये बर्डन किस पे आएगा? आने वाली रूलिंग पार्टी पे, जो भी रूल करेगी, और ये हमें पता नहीं है कि रूल कौन करने वाला है। इसीलिए आम बजट नहीं लाके इंटरिम बजट लाया जाता है, ठीक है। एक तो ये,
अब इंटरिम बजट इसलिए भी लाया जाता है क्योंकि अब एक फैब को क्या होना है, बजट आना है, अब तो आएगा नहीं क्योंकि इलेक्शन होना है, तो इस बीच का खर्चा कैसे चलेगा, तो इस बीच का खर्चा बेसिकली चलाने के लिए इसको लाया जाता है। इसीलिए इंटरिम बजट को हम लोग वोटन अकाउंट भी कहते हैं, जिसको लेखानुदान कहते हैं, और ये लेखानुदान हर साल बजट के टाइम में पेश होता है, दो महीने का हम एडवांस ले लेते हैं, जो भी हमारा फंड होता है ले लेते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी वोटन अकाउंट ही है। वोटन अकाउंट में ये कंपलसरी नहीं कि दो ही महीने के लिए लेंगे, तीन महीने के लिए भी ले सकते हैं, चार महीने के लिए भी ले सकते हैं, यानी एक शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट समय के लिए उसको लिया जाता है ताकि खर्चा स्मूथली चलता रहे। अब सैलरी तो नहीं रोक देंगे ना, किसी की सैलरी तो नहीं रोकेंगे, ऑफिस खर्च तो नहीं रोकेंगे, जो चल रहा है वो तो स्मूथली चलेगा। इसी को स्मूथली सिर्फ चलाने के लिए ये इंटरिम बजट लाया जाता है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि इंटरिम बजट क्यों लाया जाता है, इंटरिम बजट क्या होता है, अब क्या होता है का मतलब क्या है ये समझ नहीं आ रहा, और कुछ है यहाँ पे कैसे अलग होता है। ओके, इंटरिम बजट क्या होता है, तो इंटरिम बजट जो आम इलेक्शन के पहले लाया जाने वाला बजट, और जो इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद अगर आम बजट और सरकार चुने जाने के बीच में बहुत कम गैप होता है तब भी इस तरह के बजट को लाया जाता है ताकि सरकार के खर्चा चलता रहे। अब सवाल है कि आम बजट से कैसे अलग होता है, यही है ना सवाल कि आम बजट से कैसे अलग होता है और एक ही इलेक्शन ईयर में दो बजट कैसे आ जाता है। उसका कारण है, आम बजट से अलग होने के का कारण यह है कि एक तो पहला इंटरिम बजट, पहला याद रखिए, इलेक्शन के पहले आता है, और इंटरिम बजट आम बजट से अलग बिना किसी खास डिस्कशन के सीधे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक तरह से वोटन अकाउंट के रूप में। अब ये जो इंटरिम बजट होता है, जैसे इस साल का एक फेब 2024 को जब इंटरिम बजट पेश हुआ तो ज्वाइंट सेशन में पेश हो गया, कोई खास डिस्कशन नहीं, लाया गया, पेश कर दिया गया उसको, ठीक है। इसके अंदर जो पिछले साल का इनकम और एक्सपेंडिचर है वो बहुत रफ वे में, बहुत ही मोटा मोटी वे में एक सामान्य तरीके से इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि आम बजट में एक एक पॉइंट, एक एक सेक्टर का जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, दोनों बताया जाता है। इसके अलावा इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है कि सरकार का जो खर्चा है वो सरकार की जो मशीनरी है वो स्मूथली रन करती रहे। आम बजट में सिर्फ ये नहीं होता, आम बजट में सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार की योजनाएं, उन सब को लेकर जो भी सरकार का इनकम एक्सपेंडिचर है वो एकदम माइन्यूटली उसके अंदर डाला होता है। इसके अलावा सरकार अंतरिम बजट में यानी इंटरिम बजट में कोई भी बड़ी योजना अनाउंस नहीं कर सकती, कोई भी नई योजना अनाउंस नहीं कर सकती, क्योंकि ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है। जबकि आम बजट में हम हर साल कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं, नया देखते हैं, और इस साल भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जब इंटरिम बजट आएगा। आय के सोर्स का विस्तार से वर्णन नहीं होता, क्योंकि इंटरिम बजट का मकसद होता है खर्च मैनेज करना, उसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे उसके अंदर। तो इनकम को लेकर, इनकम का सोर्स क्या है उससे ज्यादा मतलब नहीं होता, बल्कि एक्सपेंडिचर कहां कहां होगा उसके लिए इतने पैसे दे दो, खत्म है। इसके अलावा इंटरिम बजट एक ही साल दो बार पेश हो सकता है, एक इलेक्शन के पहले और एक इलेक्शन के बाद। यदि इलेक्शन के पहले होता है, इलेक्शन पहले हो जाता है और सरकार लेट से चुनी जाती है मान लो, और उसके बीच में फिर आप ये कह सकते हैं कि अगला जो आम बजट होगा उसके बीच में दो महीने, तीन महीने, चार महीने के आसपास का गैप है, तो फिर से इंटरिम बजट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपस में बात करके वो लोग ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरिम बजट को आम बजट से अलग करता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि 1 फरवरी 2024 को जो बजट आया था वो डिफरेंट था, और 23 तारीख को जो बजट आने वाला है वो आम बजट होगा। इस बार का जो बजट है वो बेसिकली मॉनसून सेशन में लाया जा रहा है, ठीक है, इस बार का बजट मॉनसून सेशन में लाया जा रहा है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हो गया, ये फैक्ट है आपका, और जो मॉनसून सेशन है इस बार का वो चलने वाला है 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच, ठीक है। मॉनसून सेशन 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच चलेगा, इसी मॉनसून सेशन को अब बजट सेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसी में ये बजट पास होने वाला है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लियर हो गया होगा इंटरिम बजट क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, क्यों लाया जाता है, क्या होता है उसमें, और ये आम बजट से अलग कैसे होता है। एक छोटा सा सवाल
आम बजट को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है उसका जवाब दे दीजिएगा। क्लियर, इतना हो गया। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।